The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Right. So what is the injection जिसको लगा के vein जो है वो सुकुड़ जाती है, varicose vein ठीक हो जाती है? Sclerotherapy क्या होती है? Varicose vein, spider vein, कोई भी सूजी हुई vein है उसमें injection ठोक दिया जाता है. क्या होता है ये इंजेक्शन? लेट्स टॉक अबाउट इट. स्क्लेरोथेरेपी यूजेस एन इंजेक्शन, बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली, छोटी सी प्यारी सी नीडल, उसमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए किया जाता है. बेसिकली वेन सिकुड़ जाए, पैर अच्छा दिखने लग जाए, तो उसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन डाला जाता है और वेन थाई में, पैर में, कहीं भी हो वो सिकुड़ जाती है. ये सिम्टम रिलीव कर देता है, मतलब एकिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, खुजली हो रही है, इसको सब ठीक हो जाएगा. टिपिकली क्या होता है, 50-80% ऑफ जितनी वेन इंजेक्ट करी, जितनी इंजेक्ट करी उसमें से 50-80% तक वेन वो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो टर्म वो कम हो जाएगी. ठीक है. सो आपको ये बताना पड़ेगा, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं लेते, कोई इंजेक्शन तो नहीं लेते, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई हर्बल सप्लीमेंट, कोई एस्पिरिन, डिस्पिरिन, खून पतला करने की दवाई, कोई आयरन सप्लीमेंट, कोई ब्लड थिनर, कोई एंटी इन्फ्लामेटरी या नॉन स्टेरॉयडल, या फिर कोई आप प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाइयाँ, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ले रहे, डॉक्टर को पहले बता दो. इसके अलावा कोई लोशन लूशन कुछ नहीं लगाना पैरों पे इसके पहले, कोई ज्वेलरी का और हैवी कोई ऐसी चीज़ें नहीं, एक लूज़ कपड़े पहन के आना, ऐसी टाइट जींस पहन के आया पैर ऊपर नहीं हो रहे ऐसा नहीं. सो लूज़ कपड़े पहन के आना है, और अगर आपको लगेगा हो सकता है फिर भी आपको गाउन पहनना पड़े. राइट. सो दिस इज बेसिक अबाउट बेसिक स्क्लेरोथेरेपी का वेन. इसमें क्या होता है, मिनिमल इन्वेजिव है, छोटा सा इंजेक्शन लगेगा, एक सोल्यूशन है जो इंजेक्ट किया जाएगा अफेक्टेड वेन में, वो श्रिंक हो जाएगी और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी. राइट. सो इसका यूज तभी है अगर आपकी वेन ऊपर है, डीप वेन में नहीं हो सकता, याद रखिए. और प्रिपरेशन में हमने कहा कि इसके ऊपर कोई भी आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी, कोई दवा है तो अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना है. लोशन लूशन नहीं लगाना है, और शॉर्ट्स वॉर्ट्स लेके जाओ अगर जाना है तो डॉक्टर के पास ही, डॉक्टर उसको हॉस्पिटल ऑफिस में ही कर देगा, क्लिनिक में. और बहुत फाइन नीडल इंजेक्ट होती है इसमें, बहुत छोटी सी, और वेरिकोज वेन हो, स्पाइडर वेन हो, थोड़ा सा वो बेसिक वर्क क्या है कि अंदर जो इंजेक्शन जाता है, जो स्क्लेरोजिंग एजेंट जाता है, वो अंदर से जो इस वेन की लाइनिंग है उस लाइनिंग को इरिटेट करता है, और ये जो अंदर की लाइनिंग है ये स्वेलिंग होके अंदर की लाइनिंग एक दूसरे से चिपक जाती है, अंदर की लाइनिंग एक दूसरे से चिपक जाती है और स्वेलिंग होके बंद हो जाती है. ओवर टाइम ये वेन जो है एक तरीके का स्कार बन जाता है, स्कार टिश्यू को थोड़ा सा गांठ सा लगेगा, ये वेन मेरी मोटी मोटी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन वो वेन जो है स्कार टिश्यू बन जाता है और वेन दिखने से फेड हो जाती है, छोटी हो जाती है, फेड हो जाती है. ये स्क्लेरोथेरेपी है. सो हर एक टाइप के वेन में ये काम नहीं करेगा, तो ये सर्जन डॉक्टर लगाने वाला डिसाइड करेगा कि हाँ इस तरीके की वेन में इंजेक्शन लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता, इसमें ये चीज़ अच्छी है, लेज़र अच्छा है, ऑपरेशन अच्छा है, वॉट एवर इट इज़. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि ये डिस्क्रिशन ये सर्जन करेगा जो ऑपरेशन करेगा. राइट. सो रिजल्ट्स भी आफ्टर दैट पता चलते हैं. तो बेनिफिट क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा 50-80% वेन. रिस्क क्या है, आपको ऑब्वियसली सुई जा रही है आपके चमड़ी के अंदर, इन वेन के अंदर, तो इन्फेक्शन का थोड़ा सा रिस्क है ऑब्वियसली. 1,000 में 1 आदमी को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, सबको नहीं होता ऑब्वियसली. खून वहाँ पे जा रहा है तो क्लॉटिंग का भी रिस्क होता है, इन्फ्लामेशन का रिस्क है, एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क है, इसीलिए आपको बताना होता है. और इसका लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है. लार्ज वेन, बहुत ही मोटी मोटी वेन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो थोड़ी बहुत फैली हुई है वो रिस्पॉन्ड करेगी, बहुत मोटी वेन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, उसके ऊपर नहीं करते हैं. राइट. याद रखिए 10% से कम लोग जिनको इंजेक्शन लगते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता, ऐसे भी चीज़ें हैं. तो और तरीके के सोल्यूशन है, क्यूटेनियस लेज़र लगा सकते हैं, बाहर से लेज़र लगा सकते हैं, अंदर से लेज़र लगा सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. स्क्लेरोथेरेपी जो है प्रेगनेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बेड रिडन है, तो नहीं करना चाहिए, तब हर आप 3-4 महीने रुकिए उसके बाद करिए. और बाकी जो फ्लेबोटॉमी कर सकते हैं, जो दूसरा ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हमने दूसरा वीडियो बनाना है. तो ये हुई बेसिक जानकारी स्क्लेरोथेरेपी की जो आपको होनी चाहिए, इंजेक्शन जो लगता है आपके वेन में फॉर वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन. ओके.